अगर आप भी मऊगंज जिला को लेकर इंतजार में हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या वास्तविक में मऊगंज जिला मार्च में बनेगा या वास्तविक में शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज जिला की अनुमति दे दी है। क्या सच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज जिला के प्रस्ताव को सहमति दे दी है? क्या वास्तविक में मार्च के माह में मऊगंज जिला बनेगा? आखिर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े न्यूज चैनलों की स्क्रीनशॉट कैसे वायरल हो रही हैं, जिनमें बखूबी शानदार तरीके से मऊगंज जिला की मांग भी लिखी गई है और सहमति भी दी गई है। सोशल मीडिया पर दो बड़े चैनलों के स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं, जिसको लेकर लोगों में खुशी भी बनी हुई है कि मऊगंज जिला जल्द ही बनने वाला है। पर खुलासा तो कुछ और हुआ है, जिसे देख और सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस वायरल पोस्ट का खुलासा करते हैं, जिसमें लिखा है कि मऊगंज को जिला बनाने के लिए सीएम शिवराज ने दी सहमति। ये दरअसल मामला है शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन का, जहां भोपाल के रिपोर्टर शैलेंद्र भदौरिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं और नीचे ठीक एक हेडलाइन चल रही है, मऊगंज को जिला बनाने के लिए सीएम शिवराज ने दी सहमति। यहाँ पर गौर करिएगा, जब ये हेडलाइन चलती है 11:02:04 स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समय बता रहा है और ठीक इसके नीचे लिखा है मऊगंज को जिला बनाने के लिए सीएम शिवराज ने दी है सहमति। तो आइए देखते हैं इसकी ओरिजिनल कॉपी में। परिस वाले स्क्रीनशॉट में कुछ दूसरा ही लिखा गया है, गौर से और ध्यान से देखिए। 11:02:04 पर उस वाले स्क्रीनशॉट में मऊगंज जिला के लिए टेस्ट चल रहा था, तो इस वाले स्क्रीनशॉट में कांग्रेस ने सभी विधायकों को जारी किया व्हिप का हेडलाइन चल रहा है। वायरल हुई स्क्रीनशॉट का एक और एंगल से चेक कर लीजिए। इस एंगल में देखा जा सकता है कि सड़क पर रखी कोई चीज नजर आ रही है। रिपोर्टर शैलेंद्र भदौरिया के पीछे एक कार खड़ी है, जिससे एक व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं, और ओरिजिनल तस्वीर में भी कुछ यही है। ओरिजिनल तस्वीर में भी सब सेम नजर आ रहा है, बस हेडलाइन का फर्क है। बस हेडलाइन ही एडिटिंग की गई है और वायरल कर दी गई है। मतलब साफ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों सिमिलर है, बस हेडलाइन को एडिट करके वायरल कर दिया गया है। ये शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन का स्क्रीनशॉट है, जो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और फैलाई जा रही है कि मऊगंज जिला बनने वाला है, जिसको मुख्यमंत्री ने सहमति भी दे दी है। इस एंगल से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, तो देखिए और समझिए। स्क्रीन पर एक ही तस्वीर लगाई गई है, एक वायरल है और एक ओरिजिनल है। ओरिजिनल में मऊगंज जिला का जिक्र नहीं है और वायरल में मऊगंज जिला का जिक्र है। इसका मतलब यह फेक तस्वीर वायरल की गई है। अगर आपको न्यूज 18 का यह वीडियो देखना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उस वीडियो तक देख सकते हैं और खुद ही पड़ताल लगा सकते हैं क्या तस्वीर सच में वायरल की गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट शेयर की जाती हैं और लगातार प्रलोभन दिया जाता है कि मऊगंज जिला जल्द ही बनने वाला है, जबकि इसका उल्टा होता है। लोगों के द्वारा इन फोटो को एडिट करके लोगों तक पेश किया जाता है। मऊगंज जिला हमारे विकास का एक अहम मुद्दा है, इसे लेकर कोई मजाक और छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एकजुट होकर हमारे विधायक के साथ खड़े होकर सरकार और प्रशासन से मऊगंज जिला की मांग करनी चाहिए। आने वाले 2-3 महीनों में मऊगंज जिला बनेगा, इसकी पुष्टि ना तो मऊगंज के विधायक ने की है और ना सरकार ने की है और ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। लोगों में अफवाह फैलाई जा रही है और बल्कि ये स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं और लगातार लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है और लोगों में सर्वे किया जा रहा है कि मऊगंज को लेकर लगातार लोग कितने सक्रिय हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मऊगंज के विधायक मऊगंज को जिला नहीं बनाना चाहते हैं, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर सरकार अपने नियम कानून पर ही मऊगंज को जिला घोषणा करेगी। पर वहीं लगातार ऐसी चीजों से लगातार स्टेटस भी घटता रहता है। हम आपको बता दें, मऊगंज जिला एक मुद्दा नहीं बल्कि एक अभिमान है, जिसकी पूर्ति होनी चाहिए।